दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। न्यूज क्लिक के कार्यक्रम आज की बात में आपका स्वागत है। इस वक्त बीते 24 घंटे में, 48 घंटे में, 56 घंटे में या 60 घंटे में क्या किसी को भी भारत के किसी भी शहर में, किसी भी कस्बे में सड़कों पर चीखते हुए, चिल्लाते हुए, बदहवास होकर किसी ने भी, किसी भी व्यक्ति ने, सरकारी या गैर सरकारी, किसी ने देखा कि कोई व्यक्ति चीख रहा है कि मुझे वैक्सीन चाहिए, मुझे वैक्सीन चाहिए, मुझे जल्दी वैक्सीन दो? मैं वैक्सीन के खिलाफ नहीं हूं, ये गलतफहमी मत पालिए। मैं टीकाकरण के पक्ष में हूं, टीका के पक्ष में हूं, क्योंकि संक्रमण के जो मामले हैं उसमें टीका एक बहुत उपयोगी चीज है, बशर्ते कि वो प्रामाणिक हो, वो कारगर हो, वैज्ञानिक रूप से साबित शुदा हो। लेकिन आज भारत की सबसे बड़ी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए और क्या है, हमारे देश की आवाम, हमारे देश की जनता की इस वक्त सबसे बड़ी प्राथमिकता क्या है? बिल्कुल टीकाकरण होना चाहिए और होते रहना चाहिए, लेकिन इस वक्त सड़कों पर, अस्पताल के बाहर, कस्बे में, शहर में, गांव में, सड़कों पर, गलियों में, हर जगह जो लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, बदहवास होकर अपने अपने घर के लोगों को रिक्शा पर लिटाकर, एम्बुलेंस नहीं मिलने पर किसी तरह प्राइवेट गाड़ी करके लोग यहां पहुंच रहे हैं, उसका नाम अस्पताल है। जिस व्यक्ति की छांव ढूंढ रहे हैं उस व्यक्ति का नाम डॉक्टर है। जिसकी सुविधा खोज रहे हैं उस व्यक्ति का नाम नर्स है। जीवन रक्षक दवाओं की तलाश कर रहे हैं वे लोग, उन दवाओं की तलाश कर रहे हैं जो आज के दौर में कोरोना से फाइट आउट करने में, उससे निपटने में थोड़ा बहुत कारगर साबित हो रही हैं। और सबसे बड़ी बात तो लोग ऑक्सीजन खोज रहे हैं। ऐसा लगता है कि पूरे देश का गला किसी ने दबा दिया है, और गला इस प्रकार दबाया है पिछले एक सालों में, पिछले अगर 12-13 महीनों का हिसाब लिया जाए तो वाकई ऐसा लगता है कि इस देश का गला दबा दिया गया, वो सांस नहीं ले पा रहा है। यह रूपक नहीं है, यह सच है, और लोग अपनी सांस के लिए बेहाल हैं, परेशान हैं। लेकिन हमारे मंत्रालयों में, हमारे टॉप जो सत्ता संरचना के शीर्ष पर बैठे लोग हैं, वो सिर्फ और सिर्फ जीओएम जो कर रहे हैं, मंत्रिमंडल की जो बैठकें कर रहे हैं, वो वैक्सीन के लिए, सबसे अधिक जोर वैक्सीन पर है। बिल्कुल जोर रखिए, लेकिन इस वक्त प्रायोरिटी क्या है? इस वक्त लोगों को ऑक्सीजन चाहिए, बेड चाहिए, लोगों को आप वो मुहैया नहीं करा पा रहे हैं। सवाल यह है कि हमारी प्रायोरिटीज क्या है, हमारी वरीयताएं क्या है? हम इस देश को महामारी से मुक्त करना चाहते हैं, उससे लोगों को निजात दिलाना चाहते हैं, या हम इसको एक साइड का, एक हाशिए का मामला समझ रहे हैं? अभी हम सेंट्रल विस्टा बनाने पर 20,000 करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं, और 20,000 करोड़ की ये राशि है, ये प्राकलित राशि है, यानी इस्टीमेट है। हो सकता है कि ये और कम और हो। 3.2 किलोमीटर राष्ट्रीय राजधानी में इतनी खूबसूरत हमारी पार्लियामेंट है, क्या खूबसूरत हमारा राष्ट्रपति भवन है, लेकिन इसके बावजूद सब नया बनाया जा रहा है, किस लिए? और यही नहीं, लॉकडाउन में जब पूरे दिल्ली का हर काम बंद है, तब एसेंशियल सर्विसेज उसको घोषित कर दिया गया है, ताकि ये काम कभी ठप ना पड़े, दिन रात चले, और उसके लिए 180 गाड़ियां मजदूरों को ढोने के लिए अतिरिक्त रखी गई हैं इस समय लॉकडाउन के दरमियान। तो हमारी प्रायोरिटी क्या है? हम अस्पतालों में गैस ले जाना चाहते हैं, दवा ले जाना चाहते हैं, हम क्या करना चाहते हैं? या हम केवल ऐसा निर्माण कराना चाहते हैं जहां अपना नाम खुदा हो, जहां अपना चेहरा दिखाई दे? हमने COVID-19 से लड़ने निपटने के लिए कोई काम नहीं किया, हमने अस्पताल बिल्ड नहीं किए एक साल में, और आप चाहते हैं कि 2 दिन में ऑक्सीजन प्लांट लग जाए और 2 दिन में अस्पताल भी बन जाए? आप एक बड़े गोदाम को दिखा रहे हैं जहां कुछ बेड पड़े हुए हैं, अस्पताल 2 दिन में नहीं बना करते। गोदामों में चारपाई या बेड लगा देने से अस्पताल नहीं बन जाता।
अस्पताल डॉक्टर से बनते हैं, नर्स से बनते हैं, उपकरण से बनते हैं, स्ट्रक्चर से बनते हैं, और सब मिल करके एक अस्पताल का निर्माण करते हैं। अस्पताल कोई डेरा नहीं है, अस्पताल कोई बाढ़ राहत शिविर नहीं है कि कोशी में बाढ़ आई है या गंगा नदी में बाढ़ आई है तो लोग सड़कों के किनारे बैठा दिए जाते हैं और बड़े बड़े कैंप लगा दिए जाते हैं। अस्पताल के लिए पूरी संरचना चाहिए, लेकिन अस्पताल बनाएंगे कैसे? आपके देश में, हमारे देश में 87% जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो उनका निजीकरण हो चुका है, निजी हाथों में है। हमने 1.0, मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं, कांग्रेस रिजीम से लेकर आप आज तक की बात कर रहा हूं, सारी रिजीम को मैं ले रहा हूं, कि पूरी अपनी अपने लोक स्वास्थ्य पर 1.2 से लेकर के और 2.4 के आसपास इन दोनों में वैरी करता रहा। हमने जीडीपी पर इनका इतने परसेंट खर्च किया हेल्थ पर। तो जो देश 1.2 से लेकर 2.4 के आसपास जीडीपी का इतना हिस्सा ही केवल हेल्थ पर खर्च करता है, वो इस तरह की महामारी में एक अस्पताल, गैस, डॉक्टर, नर्स, वेंटिलेटर, इसका इंतजाम कैसे कर सकता है? दोस्तों, दुनिया के अनेक देश, और सिर्फ अमीर देश नहीं, विकासशील भी देश कई ऐसे हैं जो 6% के आसपास या 4.5% 5.5% खर्च करते हैं हेल्थ पर। अमीर देश तो 6% से लेकर 14% तक खर्च करने वाले हैं पूरी दुनिया में। लेकिन हमने समझा कि हम लॉकडाउन कर देंगे, तो हमने लॉकडाउन कर दिया। उस समय 1 साल पहले की बात मैं कर रहा हूं, और अब कह रहे हैं कि नहीं, लॉकडाउन उतना बड़ा ऑप्शन नहीं है, बिल्कुल अंतिम ऑप्शन होना चाहिए। क्या है, किस तरह की पॉलिसी है हमारी? तो दोस्तों, हमारा यह कहना है, आज के दौर में जब जिंदगी का कोई हिसाब नहीं है कब किसका जीवन खत्म हो जाए, चाहे वो बिल्कुल गरीब आदमी हो चाहे वो अमीर आदमी हो, सिर्फ वीवीआईपीज इस देश के सुरक्षित हैं, जो अपने बड़े बंगलों में अपने लिए मिनी अस्पताल खोल सकते हैं, जिनके लिए वेंटिलेटर से लेकर ऑक्सीजन तक सब कुछ उपलब्ध है। लेकिन इस देश में याद रखिए, इस वक्त गरीब हो चाहे अमीर, सब सबकी जिंदगी पर सवाल उठा हुआ है। किसी भी जात बिरादरी का हो, कोई सुरक्षित नहीं है। आपने जात बिरादरी पर वोट दिया होगा, लेकिन आज आपके जाति और बिरादरी को लेकर ये कोरोना वायरस कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं कर रहा है। सिर्फ टॉप के वो वीआईपी सुरक्षित हैं, वीवीआईपी जिनके लिए सब कुछ उपलब्ध है। तो ये क्यों नहीं हुआ? और आज ये कहा जा रहा है कि वैक्सीनेशन वैक्सीनेशन वैक्सीनेशन, हिंदी में भी नहीं बोला जा रहा है, तमिल तेलुगु में भी नहीं बोला जा रहा है, मराठी में भी नहीं बोला जा रहा है, वैक्सीनेशन। कितना खूबसूरत नाम था टीका, टीकाकरण, कितना आसान। अब वैक्सीन वैक्सीन केवल चलता है। सीरम इंस्टीट्यूट के लिए जो कोविशील्ड बना रहा है, जो एक विदेशी फार्मूले पर जिसका उत्पादन होता है, उसको हमने 3,000 करोड़ अभी एडवांस दिया है। ये टैक्स पेयर्स का मनी है। 35,000 करोड़ रुपए हमने अपने बजट में टीकाकरण के लिए रखा है। फिर मैं जानना चाहता हूं कि भारत की आवाम के लिए टीका का जो मामला है वो इतना महंगा क्यों? अब तक 250 का लग रहा था प्राइवेट में, अब वो कितने का लगेगा कोई नहीं जानता, क्योंकि सरकारों को, राज्य सरकारों को 400 रुपए में टीका डीरेगुलेट कर दिया सरकार ने। ऑल ऑफ सडन इस डीरेगुलेशन में 400 रुपए राज्य सरकारों को लेना होगा एक टीके को और खरीदना होगा सीरम से, और 600 रुपए प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को, यानी अस्पतालों को। अब आप कल्पना कीजिए, हिंदुस्तान भारत के इतिहास की यह पहली घटना है जब टीकाकरण जो है अपने देश में इस भयावह महामारी में वो पैसे पर हो रहा है। आप लोग, बहुत सारे लोग होंगे जो कम उम्र के होंगे, उनको मालूम नहीं होगा कि पहले भारत में न जाने कितने टीके आए और लगे, सब फ्री, चाहे वो बीसीजी का हो, चेचक का हो, या तमाम तरह के टीके। तभी पैसा नहीं लिया गया, यूनिवर्सल था,
फ्री था, लेकिन आज कभी 18 साल, कभी 45 साल, कभी 60 साल, कभी ये कभी वो, ये क्या है? क्या टीका में भी, क्या इस टीकाकरण में भी केवल प्राइवेट सेक्टर को मुनाफा देने का कोई खेल रचा जा रहा है? एक बड़े साइंटिस्ट ने एक बार कहा था कि जो टीका हमारे देश में बन उत्पादित होने वाला है उसकी कीमत एक बिस्लरी के बोतल से ज्यादा कीमत नहीं होगी। बड़े साइंटिस्ट ने कहा था अगर एक बोतल पानी के बराबर दाम है तो फिर इतना दाम क्यों लिया जा रहा है? क्या यह वैश्विक कंपनियों का पूरा खेल नहीं है जो भारत की जनता, जहां आबादी पूरी दुनिया में सेकंड लार्जेस्ट है और जिसके ऊपर ठीकरा फोड़ा जा रहा है? तो हमारा यह कहना है दोस्तों कि आज जब भारत की जनता की प्रायोरिटीज जो हैं टीकाकरण के से भी पहले, इस वक्त अस्पताल की हैं, बेड की हैं, नर्स की हैं, डॉक्टर की हैं, दवाओं की हैं, दवाएं कालाबाजारी हो रही है दवाओं की। एक दवा है जो भारतीय जनता पार्टी के दफ्तरों में मिल रही थी, रेमसिडिविर, और ये जो दवा है इस दवा को कई जगह जब्त किया गया दूसरे लोगों की तरफ से, कई जगह छापे पड़े हैं जिसमें तरह तरह के लोग पकड़े गए हैं। तो ये क्या वजह है कि दवाओं की कालाबाजारी हो रही है? आज भी आप दवा की दुकान पर जाइए, आपको जिंक नहीं मिलेगा कायदे से। बहुत सामान्य जो 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 कोरोना में बताया जा रहा है कि ये महत्वपूर्ण दवा है, जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में रिकमेंड की जा रही है, वो दवाएं भी बाहर नहीं मिल रही है सड़क की दुकानों पर, लेकिन जो बहुत सारे टॉप के लोग हैं उनके लिए सब कुछ उपलब्ध है। इन चीजों को रेगुलेट करने के बजाय आप वैक्सीन को केवल डीरेगुलेट कर रहे हैं। कुंभ को होने दिया गया, चुनाव को होने दिया गया। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो उत्तर प्रदेश में पंचायती चुनाव हो रहा है, और अब कहा जा रहा है कि जो ये कहेगा कि ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, बेड नहीं मिल रहा है, उस पर एनएसए लगा देंगे, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। चमत्कार! जहां करुणा की जरूरत है, संवेदना की जरूरत है, प्रेम की जरूरत है, वहां नफरत से काम किया जा रहा है, वहां क्रूरता के साथ पेश आया जा रहा है लोगों के साथ। आखिर महामारी को रोकेंगे कैसे? बिल्कुल अंत में दोस्तों, मैं एक बार फिर शासन से, प्रशासन से और समाज और देश के बड़े लोगों से अपील करता हूं, अपनी ओर से, अपने देश की आवाम की तरफ से, दुख दर्द के मारे लोगों की तरफ से, कि प्लीज अपने अपने दिमाग में जो चीजें हैं उनको बदलने की कोशिश कीजिए, ताकि हमारी जो प्रायोरिटीज हैं, जो वरीयताएं हैं, वो सबसे ऊपर हों, लोगों को बचाया जा सके। क्योंकि ये कोरोना हमारे देश में जिस कदर तेजी से फैला है, अभी आपसे जब मैं बात कर रहा हूं तो इस वक्त एक दिन में 3,293 डेथ पिछले 24 घंटे में हुई है। 1 करोड़ से भी ज्यादा हमारे देश में लोग संक्रमित हो चुके हैं, 1,80,00,000, 2,00,000 से ऊपर मौतें हो चुकी हैं अपने देश में, इसलिए सोचने की जरूरत है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।